कोरोना संक्रमण काल में लगे लॉकडाउन के चलते कई तरह के उद्योग ठप पड़ गए हैं। वहीं ऐसे में कागज उद्योग के लिए भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पिछले 6 माह से हर तरह के कागज के दामों में 100 से 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। बढ़ते दामों के कारण पैकेजिंग एवं प्रिंटिंग उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। वहीं आने वाले दिनों में नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही बच्चों की पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाओं की कीमत में भी उछाल आएगा, जिसकी जानकारी दिंदौर मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने आज पत्रकारों को दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मास्टर पेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इन दिनों देश भर में कागज की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कागज के दामों में बेतहाशा कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने से हालात काफी गंभीर बन गए हैं। कागज मिलें भी बिना नगद के माल नहीं दे रही हैं। इसके कारण अनेक उद्योग बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। भाव बढ़ने से कॉरोगेटेड बॉक्स सहित कागज से बनने वाले अन्य उत्पादों के दाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पर कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। पिछले 3 महीनों में ये करीब करीब 40 से 110 प्रतिशत के बीच में हुई है। हमारे आम जीवन में पेपर, सवेरे टॉयलेट से लेकर रात को सोने तक हमें पेपर की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें इतनी बेहिसाब वृद्धि होने से हमारा आम जीवन इसमें कष्ट में आएगा। क्योंकि हम पैकेजिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री और पाठ्य पुस्तक निगम से रिलेटेड काम करते हैं। इतनी ज़्यादा वृद्धि को हमारी इंडस्ट्री अब उठा नहीं पा रही है। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला ग्रुप प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिना जाता है, इसलिए इसकी तवज्जो ऊपर देश के आला अधिकारियों तक शायद नहीं पहुंच पाती। पेपर जो हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जिसके बगैर शायद आज सवेरे का हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते, उसमें इतनी ज़्यादा अगर वृद्धि होगी तो उससे आम जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कीमतों को लेकर। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और इस बेताशा वृद्धि पर शासन किसी तरीके से नियंत्रण करे, जिससे इस देश का आम जीवन, जनजीवन दुखी और परेशान ना हो। देखिए, इसके लिए अलग अलग चीज़ें पेपर मिलों द्वारा बताई जा रही हैं। कुछ बता रहे हैं रॉ मटेरियल की कमी, कुछ डिमांड हिंदुस्तान से बाहर ज़्यादा होने की वजह से उनका एक्सपोर्ट सेगमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, एक वजह वो भी वो बता रहे हैं। हमारी जितनी हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट है, अभी आज की तारीख में हमारे यहाँ की जितनी मिलें हैं, अगर वो पूरा प्रोडक्शन अपना हिंदुस्तान में बेचते हैं तो शायद हम 90-100% के करीब उस मटेरियल को कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी जितनी आवश्यकता है उतना हम बना लेते हैं, बट उसमें से काफ़ी कुछ प्रतिशत जो है देश के बाहर जा रहा है। चूँकि देश के बाहर जा रहा है तो देश में उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। नई पॉलिसियों के तहत इम्पोर्ट चूँकि महंगा हो गया, उस पर ड्यूटी वगैरह भी शायद उन्होंने बढ़ा दी है, इस वजह से भी पेपर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, और यही वजह है कि हम आज की तारीख में इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। देखिए, इंदौर शहर का मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक किताब जो अभी तक 20 रुपए की आती थी, उस पर आज की तारीख में अगर हम उसको खरीदने जाएंगे, चूंकि अभी स्कूल बंद हैं, बट अगर हम उसको खरीदने आज जाएंगे तो वो कम से कम 35 रुपए की हमें मिलेगी। तो आप सोच लीजिए कि एक स्कूल का बच्चा, जिसको अगर उसको 2000 रुपए की किताबें खरीदनी है, तो उस पर 3500 से 3000 रुपए तक की उसको कीमत चुकानी पड़े। ये सिर्फ एक आम जीवन से, आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन चूंकि हम दवाई से लेकर इवन सवेरे अगरबत्ती का जो पैकेट भी हम खरीदते हैं, अगर वो पैकेट आज की तारीख में, अगर उस पैकेट की कीमत बता रहा हूँ, मैं मटेरियल की कीमत नहीं बता रहा हूँ, अगर वो 1 रुपये का था, वो 1.5 रुपये के करीब होगा। इसकी सीधी सीधी कीमत जो है उस ग्राहक को के ऊपर आएगी जो उसको वापर रहा है। तो ऐसा पूरा आम जीवन में हमारे जितनी भी सारी चीज़ें जो भी पेपर से रिलेटेड हैं, हिंदुस्तान में धीरे धीरे पेपर का कंजम्पशन भी डे टू डे यूज़ में हमारा बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ में, चूँकि डिस्प्ले पेपर के बॉक्सों से ही होती है प्रोडक्टों की, और चूँकि उनकी कीमतों में वृद्धि होगी तो हमारी बाकी प्रोडक्टों में भी वृद्धि होगी। मैं अरविंद बड़जातिया, प्रेस एसोसिएशन का मेंबर हूँ, प्रिंटर एसोसिएशन का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।